हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अर्पिता है और आज मैं आपको फिर से लेके आई हूँ सफदरजंग एनक्लेव के हुमायूनपुर में। और यहाँ हम ट्राई करने जा रहे हैं आज ऑथेंटिक नागा क्विजीन फ्रॉम NCC नॉर्थ ईस्टर्न एंड चाइनीज कैफे। तो चलिए चलते हैं एंड ट्राई करते हैं, लेट्स गो। अब जैसे आप देख रहे हैं, इन्होंने अगल बगल में बैम्बू से डेकोरेशन कर रखी है एंड अब हम देखने जा रहे हैं वो सुंदर सा एरिया, वो पूरा का पूरा डेकोरेशन इंटीरियर जो इतना सुंदर बन रखा है, पूरा एकदम नागालैंड के जितना भी कल्चर है, हेरिटेज है, कलर्स हैं, उन सबको यहाँ पे इतनी अच्छी तरह से डिपिक्ट कर रखा है। मेरे तो मतलब ऐसा हो गया था कि वाओ। एंड यहाँ पे मुझे एकदम से टेबल पे दिखा कि राइस ब्रू भी है यहाँ पर, सो दैट्स इंटरेस्टिंग। और अभी आप जैसे देख रहे हैं, छोटा सा ही एरिया है बट कितना कोजी और कंफर्टेबल लग रहा है, इतना प्यारा है। यहाँ पे जो पेंटिंग कर रखी है एंड ये अम्ब्रेलास, तो बाय गॉड इतनी प्यारी लग रही थी। आप पेंटिंग्स को देखो, इतनी सुंदर है एंड मैं अब रुक नहीं पा रही हूँ और चलिए खाना ऑर्डर करते हैं। तो ये रहा NCC का मेन्यू, नॉर्थ ईस्टर्न एंड चाइनीज़ कैफ़े। तो जैसे कि नाम से आप समझ ही रहे होंगे, इसके अंदर में मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्विजींस हैं, बट आज हम ट्राई करने जा रहे हैं सिर्फ स्पेसिफिक नागालैंड का क्विजीन। तो उसमें से हम कुछ दो चीज़ें ट्राई करने जा रहे हैं जो कि मुझे मेन्यू में इनके थोड़ा सा एकदम ऐसे इंटरेस्टिंग से अलग सी लगी, तो वो हम अब ट्राई करेंगे। बाकी मैं आपको मेन्यू एकदम थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि किस तरीके का है एंड कितनी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर में, बहुत सारी हैं। यहाँ पे आपको थाली वगैरह भी दिख जाएंगी, कोरियन, चाइनीज़ एंड मल्टीपल वैरायटी ऑफ फूड मिल जाएगा, मणिपाल और पता नहीं कहाँ कहाँ का, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप कंटिन्यू में खाते रहिए। मेन्यू तो वो प्रॉपरली हमने देख लिया है, अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या ऑर्डर किया, लेट्स गो। ऑर्डर करने से पहले ना हमें सरप्राइज में मिला फ्री इम्यूनिटी बूस्टर सूप ऑन द हाउस ऑफ NCC एंड यहाँ पे बाकी लोगों को भी मिला था, तो अगर आप हो सकता है इस टाइम में आएंगे तो आपको भी मिल जाएगा। एंड मैंने कभी इम्यूनिटी बूस्टर सूप नहीं पिया तो मैं थोड़ी ऐसे एक्साइटेड थी एंड पीने में ना ये पूरा हॉट एंड सॉर सूप लग रहा था, बट था टेस्टी एंड जब कोई चीज़ फ्री की मिलती है ना तो मस्त लगती है। तो नॉर्मल फ्राइड चिकन तो आप सबने खाया होगा, बट कभी नागा फ्राइड चिकन खाया है? मैंने तो कभी नहीं खाया, तो आज मैंने सोचा कि चलिए स्टार्टर्स में शुरुआत करते हैं नागा फ्राइड चिकन के साथ। एंड देखने में ना, वैसे मैं आपको बताऊँ, एज़ पर द प्राइस क्वांटिटी कम है, बट ऑब्वियसली हम देखेंगे इसका टेस्ट कैसा है एंड ये तो मैं पहली बार खा रही हूँ तो आई एम तो सुपर एक्साइटेड। तो अभी हम देखिए, चलिए हम पहली एक बाइट लेते हैं। हमने उठाया ये एक नागा फ्राइड चिकन का एक पीस, इसको थोड़ा डिप डिप करा इसकी चटनी के साथ एंड ये हमारा पहला पीस जो हम खाएंगे। एंड खाने में तो फर्स्ट पॉइंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इसमें हल्की सी ग्रीन चिली का कोटिंग होगी। देखने में तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि जैसे ऊपर से ना इसका थोड़ा टेक्सचर ऐसा है जो मसाले से कोटेड है, बट खाने में ना इट इज़ अमेजिंग, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये ना मुझे पता चला कि ये आधा फ्राइड और आधा ग्रिल्ड है, तो इतना ज़्यादा डिलीशियस इसका फ्लेवर है ना, इट्स अल्टीमेट। एंड ऑब्वियसली मतलब फ्रेंच फ्राइज इसके साथ दे रखे हैं तो हम इसको खाएंगे तो है ही, एंड इसको खाने में जो नागा फ्राइड चिकन है ना, इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था। एंड अब हम अपनी बाइट लेंगे इस फ्रेंच फ्राइज की एंड बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी से थे अच्छे से, एंड उसके ऊपर पीरी पीरी मसाला भी डल रखा था। बट ये जो नागा फ्राइड चिकन है ना, इन्होंने तो मतलब चार चांद लगा दिया, इतना डिलिशियस था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। एंड इसके अंदर में ना जूसीनेस भी है थोड़ी सी, एकदम ड्राई नहीं है, हल्का सा जूसी है, तो वो अच्छा लग रहा है एंड आई लव्ड इट। तो आप ज़रूर ट्राई करना अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी फूड पसंद है, ग्रीन चिली से आपको कोई इशू नहीं पड़ता है, ऊपर से कोटिंग है एंड मसालेदार है, अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, मतलब वाओ। स्टार्टर्स हो गया, अब बारी है मेन कोर्स की और हम ट्राई करने जा रहे हैं अकूनी चिकन मिनी थाली, जिसके अंदर में है ब्राउन राइस, अकूनी चिकन, कैबेज, ग्रीन चिली की चटनी, येलो दाल एंड पापड़ और थोड़े कुकुम्बर एज सैलेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम ब्राउन राइस निकाल रहे हैं, इसका अपना थोड़ा थोड़ा करके पोर्शन में ही हम ट्राई करेंगे। तो अब हमने ब्राउन राइस प्रॉपरली अच्छी तरह से पोर कर लिया है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड ये हम अपनी पहली बाइट लेंगे अकूनी चिकन के साथ, इसका थोड़ा सा पीस भी थोड़ा सा उठा लेंगे
अच्छी तरह से, बहुत सॉफ्ट था, आराम से कट गया। एंड अब इसको हम मिक्स करेंगे ब्राउन राइस के साथ। एंड ये हमारी पहली बाइट, हम रेडी हैं अपने अकूनी चिकन को खाने के लिए। एंड मैं क्या बोलूँ, मुझे ना मतलब इसमें ना एक्चुअली में ना अकूनी क्या होता है, वो होता है फर्मेंटेड सोयाबीन, जो कि या तो मीट की प्रिपरेशन में डलता है या तो चटनी में डलता है। एंड इसका ना एक्चुअली में टेस्ट जो होता है ना, थोड़ा बिटर स्मोकी टेस्ट होता है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो चावल थोड़ा सा खा के देखते हैं अलग से, एंड वो तब भी ठीक लग रहा था। बट फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि चम्मच में तो उसका ग्रेवी लगी रखी थी ना, मैं क्या कर सकती इसके अंदर में। तो फिर मुझे अपने मूड को वापस थोड़ा सा नॉर्मल करने का लगा कि भाई कर लो इसको, ज़रूरी है। फिर मैंने सोचा कि चलो इसकी थोड़ी ग्रेवी खा के देखते हैं, हो सकता है कि चिकन की प्रॉब्लम हो। बट जब बना ही पूरा का पूरा जो सब्ज़ी है वो उन्हीं मसालों से बनी हुई है, जो पिक्यूलियर एक अलग टाइप के मसाले होते हैं जो नागा क्विज़ीन में डलते हैं, तो वो मेरे लिए जो वो फर्मेंटेशन सोयाबीन की थी ना, वो मुझे थोड़ी समझ में नहीं आ रही थी। उसका फ्लेवर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग पा रहा था। बट वो मेरी चॉइस है, ऑब्वियसली सबका अपना टेस्ट बड होता है, किसी को कुछ अच्छा लग सकता है, किसी को कुछ। फिर मैं सोचा चलो दाल पी के देखते हैं। एंड ये थैंकफुली ऐसी थी कि हाँ ये हम ट्राई कर सकते हैं। एंड इसको फिर हमने मिक्स करा, दाल देखेंगे येलो दाल है, अच्छी गाढ़ी अच्छी वाली एकदम है। एंड इसको हमने थोड़ा एक स्पूनफुल लिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। एंड ये दाल के साथ हमारी पहली बाइट। एंड दिस वॉज लाइक नाइस ओकेश, मतलब ऐसे सांस में सांस, जान में जान आई कि ओके ये अच्छा है, इसको हम खाएंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड इसकी ब्राउन राइस हमने खाया तो वो तब नॉर्मल लगा बिल्कुल, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली इस पर ग्रेवी नहीं लग रखी थी अकूनी की। एंड ये हमने ली थोड़ी सी ग्रीन चटनी, एंड ये बहुत स्पाइसी थी बट मज़ेदार थी। एंड इसको ऑब्वियसली हम लेंगे दाल चावल के साथ मिक्स करके खाएंगे, तो ये कॉम्बिनेशन तो अच्छा लगता ही है। और ग्रीन चिली की चटनी तो बहुत ही मस्त बनी थी यहाँ पर, एकदम अच्छी स्पाइस थी। एंड खाने में मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि चलो हम प्लेन राइस खाएं अच्छे तरीके से। एंड आई वाज लाइक कि हाँ राइस का कोई टंटा नहीं था, प्रॉब्लम थोड़ी सी बस ये इसमें थी, ग्रेवी की थी। फिर मैंने अपने आप को एक और चांस दिया कि नहीं हम एक और चांस देंगे एंड फिर ट्राई करेंगे, बट हमसे ना हो पाया। आई ट्राइड इट बट आई कुडंट, ये थोड़ा टेस्ट थोड़ा मेरे मतलब मेरे टेस्ट बड्स को ना समझ में नहीं आता था कि ये क्या है। तो बाकी फिर हमने सोचा कि चलो एंडिंग इसकी हम करते हैं पापड़ के साथ। ये तो नॉर्मल बेसिक पापड़ है, जो आप इसको फ्रैम्स बोलते हैं कुछ भी बोले, बट ये नॉर्मल पापड़ है जो हम खाते हैं। एंड खाने में अच्छा था, मज़ा आई। एंड फिर हमने सैलेड भी इसको खाया एंड इन्जॉय किया। ये हमारा कुकुम्बर, एंड इससे हम अपनी पूरी थाली ख़त्म करेंगे। बट सबसे बेस्ट जो था वो तो था भाई नागा फ्राइड चिकन, उसको तो पक्का ही खाना, वो अल्टीमेट था। एंड इससे पहले भी मैंने एक बार ना नागा थाली खा रखी है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, मैं ऊपर लिंक कर दूंगी। बट आई एम इन सर्च कि मैं कहीं और एक नागा चिकन खाऊं ग्रेवी बेस में जो कि मुझे पसंद आ जाए, तो हम वो सर्च अपनी जारी रखेंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ज़रूर बताना, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हम जल्दी ही आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग से वीडियोज़ दिखाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।